हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निशा गार्डनिंग पे। आज मैं रजनीगंधा के बल्ब को लगाने से लेकर उसकी मिट्टी कैसे तैयार की जाए, उसमें क्या खाना पानी दी जाए, उससे फूल कैसे ज़्यादा लिए जा सकते हैं, फूल आए उस वक्त हमें कौन सा कीटनाशक और कौन सी खाद उसमें डाली जाए, यही सब चीज़ों पर बातें करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास पहले से रजनीगंधा के प्लांट आपके कंटेनर में पड़े हैं तो उसे फरवरी मार्च में एक बार रिपोर्ट जरूर कर लें, क्योंकि उसके बल्ब मिट्टी के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। रिपोर्ट करने से दो फायदे होते हैं, पहली कि उसकी मिट्टी पोषक तत्वों से भरी मिलती है, जिसे हम नया खाद और न्यूट्रिशन देकर उसे लगाते हैं, और दूसरी चीज़ की बल्ब जो मल्टीप्लाई होती है उसके बेबी बल्ब को हटाकर ही मैच्योर बल्ब को लगाएं और बेबी बल्ब को किसी दूसरे कंटेनर में लगा दें ताकि वो अलग से मैच्योर होता रहे। फूल जब भी देता है तो वो मैच्योर बल्ब में से ही कलियाँ और फूल आते हैं। अगर आपके पास रजनीगंधा के बल्ब नहीं है, पहली बार लगाना चाहते हैं, तो उसे आप ऑनलाइन या किसी ने पास के नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत सस्ता मिल जाता है। 10 से 15 रुपये में पर बल्ब मिलता है। भारत में इसकी खेती व्यवसाय के रूप में की जाती है। इसके फ्लावर से बुके बनाई जाती हैं, गजरा और लरी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके फूल के खुशबू से इत्र और तेल में प्रयोग किए जाते हैं। यह आमदनी का एक अच्छा ही स्रोत है। इसकी मिट्टी की बात की जाए, इसे मिट्टी ऐसी चाहिए जो जिसमें पानी टिके नहीं, मिट्टी इसकी भुरभुरी हो, जिसमें 20% रेत, 20% में गाय का गोबर का बना खाद या किचन कंपोस्ट, 10% धान की भूसी, 5% में गोइठे या पत्तों या लकड़ी की छाई, बाकी के 45% मिट्टी देकर उसमें एक दो चुटकी हल्दी मिलाकर उसके बल्ब को लगा दें। मिट्टी में इसके बल्ब को लगाने के कुछ ही दिनों के बाद में इसमें अंकुर आ जाती है और बहुत जल्दी ही ग्रोथ होती है। जब इसमें फूल खिलने का टाइम आता है तो एक बहुत ही लंबी स्टिक निकलती है, जिसमें बहुत सारी कलियाँ होती हैं जो कि बारी बारी से खिलते रहती हैं। इसके फूलों में डबल पैटर्न और सिंगल पैटर्न होते हैं। इसके फूलों की साइज बड़ी और फूलों की संख्या ज़्यादा लेने के लिए इसके मैच्योर बल्ब से बेबी बल्ब को हटाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेबी बल्ब को मैच्योर बनाने में ये अपना प्लांट ज़्यादातर एनर्जी लॉस करता है, जिससे कि कलियाँ कम बनती हैं। जब इसके फूल खिलते हैं बहुत लंबे दिनों तक चलते हैं, क्योंकि इसमें कलियों का गुच्छा सा बना होता है, और इसके मनमोहक और मीठी खुशबू से मन तरोताज़ा और चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसकी मीठी खुशबू और ज़्यादा दिनों तक टिके रहने के कारण परफ्यूम इंडस्ट्रीज में इसकी ज़्यादा मांग है, जिस कारण इसकी खेती बहुत ज़्यादा ही हो रही है। इसी गुण के कारण बाहर देशों में भी इसकी भारी मांग है, जिससे ये पैसा कमाने का एक अच्छा साधन है। बहुत से बल्ब या प्लांट होते हैं जिसे बरसात के पानी से बचाना होता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात होती है ये बरसात में ही खिलता है, जिससे कि इसका बरसात का पानी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसके बल्ब खराब होने के कोई चांस नहीं होते हैं बरसात के पानी से। फिर ठंड के मौसम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, और फरवरी मार्च आते आते इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरे गर्मी में इसकी ग्रोइंग होती है, मैच्योर होता है और फिर बरसात में फूल देने लायक बन जाता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।